Hello. Now we learn how to do FLM in the world. You will make ATMs. Mostly we used for IndiCash D429, D429S and D422. This is D429S. The common parts of the D429S is display, LCD display, FDK, EPP, card reader, dispenser module. This is called upper hood. This is called lower face, lower. The vault where dispenser, presenter, cassettes. The dispenser module based of waste work on friction waste. In NCR, dispenser module work on suction, but in Diebold there is a friction based dispenser. This is EPP 7. Somewhere you found EPP 5. The basic difference between EPP 5 and EPP 7 of this symbol. In EPP 5 there is only line, colored lines. Here, 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 and there is no line in this key. This camera, reflector. Now open hood. This is receipt printer, thermal receipt printer. This is the internal part of this card reader. We can easily change the card reader. Here, open this, and now here also one screw to open. This is PC core, motherboard, USB hub, and load card. In D429S, we use load card, but in D429, we use PM board. Basic difference in D429 and D429S, it works on 24 volt, but D429 work on 48 volt. This is the model number D429S, there is ATM serial number. This is a miscellaneous board, power switch board. This is called power supply. Receipt printer in NCR and Diebold almost same. Both are used thermal receipt printer. We can open, push, release. Open the newspaper. If I found any dust, clean it. Again, press this. Insert paper. And after some time, printer automatically take this paper and receive first OK. First OK. That means paper is
अभी इसमें हम देखते हैं कि इसका FLM का जो प्रोसेस है और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इसमें कॉल्स मिलते हैं, कॉल्स के कॉल तो हम लोग की आइडेंटिफाई कैसे कैसे कर सकते हैं, उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो कॉमन जो कॉल्स होते हैं डिवोल्ट में वो आते हैं कम्युनिकेशन डाउन, नो डिस्प्ले, एटीएम डाउन। तो कम्युनिकेशन डाउन में सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ पर लैंड पोर्ट को कि यहाँ पर लैंड पोर्ट का वो लाइट जो है ब्लिंक कर रहा है नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा होगा तो हम चेक करेंगे लैंड केबल्स को, सेम प्रोसेस है जो एनसीआर में है वो डिवोल्ट में है लैंड केबल कनेक्टिविटी के लिए। कभी कभी इसमें हम जो चेक करते हैं वो देखते हैं कि सब कुछ सही है बट हमारा मशीन ऑन नहीं हो रहा है, तो हम पहले चेक करेंगे भाई इसमें यहाँ पर इस पावर स्विच को चेक करेंगे, इफ दिस इज ऑन कंडीशन देन जस्ट रिमूव दिस एंड चेक मदरबोर्ड इज वर्किंग और नॉट। इफ एवरीथिंग इज ओके एंड वी जस्ट पुश दिस मदरबोर्ड रीसेट बटन फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड रिलीज देन मशीन ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट एंड ऑलमोस्ट प्रॉब्लम रेक्टिफाइड आफ्टर दिस प्रोसेस। अभी इसको हम सुपरवाइजर मोड में करेंगे, इसको यहां से इसको फिर से इसको करके दोनों के मेनू सेम है, जो एनसीआर मेनू है वो डिवोल्ट के मेनू है, दोनों सेम है क्योंकि डिवोल्ट के सॉफ्टवेयर में वो भी एमबीएस के ऊपर वर्क होता है। डायग्नोस्टिक डिवोल्ट में एनसीआर की तरह इजी नहीं है क्योंकि डायग्नोस्टिक में एंट्री करने के लिए इसमें लॉगिन करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, और लॉगिन के टाइम में आपको पासपोर्ट का जो पासपोर्ट डिस्प्ले होता है उसका पासवर्ड लेना पड़ता है तभी आप लॉगिन कर सकते हैं चेक कर सकते हैं। ईपीपी को चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हैं ईपीपी आपका काम कर रहा नहीं, 06 एक्सेस सेम प्रोसेस 03 की वेरिफिकेशन वैल्यू डिस्प्ले, इसका मतलब है आपका ईपीपी काम कर रहा है, आगे का जो 4 डिजिट होता है वही होता है आपका ईपीपी का। यहां से कैंसिल करके एग्जिट कर दिए, ये मेन मेनू है। यहाँ से रिप्लेस में अगर आपका डिस्पेंसर नहीं चल रहा है तो आप यहाँ से रिप्लेस में देख सकते हैं 04 और यहाँ से 05 में टेस्ट कैश कर सकते हैं। ये रन करेगा और ये दिखा देगा कि इसमें कैश का अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है, अगर नहीं होने पर वॉल्ट ओपन करके हम लोग चेक करते हैं देखते हैं और काम करते हैं। कभी कभी इसमें क्या एरर आता है कि मशीन जो है मदरबोर्ड वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, ऑन अगर हो रहा है पंखा घूम रहा है लेकिन वो काम नहीं करता है, तो इसमें हम लोग दो चीज को चेक करेंगे। सबसे पहले तो मशीन को बंद कर देंगे और बंद करके इसमें बायोस की बैटरी को चेक करेंगे कि इसमें बायोस की बैटरी तो सही है कि नहीं, अगर होगा नहीं होता है तो ये बैटरी मार्केट में मिल जाती है आसानी से, उसको ले सकते हैं। दूसरा है रैम, रैम में अगर डस्ट आ जाता है रस्टिंग हो जाता है तो उस वजह से भी बोर्ड स्टार्ट नहीं होता है, तो ऑफ कंडीशन में ही कभी भी इसको ऑन में नहीं करना है, ऑफ करने से ये दोनों जो साइड के लैचेस को पुश करने से ये बाहर आ जाता है, इसको आराम से फिर सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए फिर प्रेस कर दीजिए लगा दीजिए वो बैठ जाएगा दोनों प्रेस करने से और आप आसानी से अपना काम कर सकते हैं, फिर स्टार्ट हो जाएगा।
सेम है आपका यूएसबी हब, आप अगर किसी को कोई मॉड्यूल माल फंक्शनिंग है वो काम नहीं कर रहा है तो सारे को इसको निकाल लीजिए, इसको अच्छे से साफ कर दीजिए, इसको भी ये पीछे का जो इसका जो मेन इनपुट प्लग है उसको भी निकाल के साफ कर लीजिए लगाइए। इतने से FLM के जो काम्स हैं, जो कम्युनिकेशन डाउन के कॉल्स आते हैं या फिर किसी और एरर जो आते हैं वो ठीक हो जाते हैं। कार्डिनल में भी आप चेक कर सकते हैं कि कार्डिनल का लाइट आगे का जो है वो ब्लिंक करता है, अभी जो कि सुपरवाइजर मोड में है नहीं हो रहा है। आप देखें यहाँ पर हम लोग, मैंने टेस्ट किया अभी यहाँ पे जो दिखा रहा है 100, 500, 2000, 50, चूँकि 50 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसलिए स्विच का कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ ओके। यहाँ से इसका मतलब ये वर्किंग कंडीशन में है, इंटर प्रेस करेंगे ये वापस आ गया, कैंसिल करेंगे ये फिर से इसमें आ गया। तो डिवोल्ड में मैक्सिमम हम लोग को इस ढंग के कॉल्स मिलते हैं, कभी कभी कार्डिनल में कभी कुछ फंसा हुआ हो तो आप चेक कर सकते हैं कुछ लगा हुआ है कार्डिनल में, तो इसको सामने से तो कम दिखेगा तो पीछे से कार्डिनल को खोल के निकाल सकते हैं और उसको आप ठीक कर सकते हैं। डिवोल्ड के ज़्यादातर प्रॉब्लम अगर नहीं हो रहा है, आपको हैंग किया हुआ मशीन है फिर और कोई दिक्कत है, तो सबसे पहले डिवोल्ट का सबसे है कि आप या तो मदरबोर्ड को रिसेट कर लें या फिर पावर ऑफ करके ऑन करके देख लें कि मशीन में पावर आ रहा है या नहीं आ रहा है। डिवोल्ट में कभी कभी क्या होता है कि डिस्प्ले में कुछ नहीं आता है और कंप्लेंट्स मिलते हैं, जिन्हें आते हैं वो पता नहीं डिस्प्ले खराब हो गया, तो डिस्प्ले को सबसे पहले आप इसमें जो डिस्प्ले चेक करने का है इसका, ये डिस्प्ले का यहाँ पर केबल है, ये पावर केबल है, ये VGA केबल है। हम लोग जब VGA केबल निकालेंगे तो वो सिर्फ एक छोटा सा लोगो डिस्प्ले करता रहेगा आगे स्क्रीन पर, उससे पता चल जाता है कि मशीन डिस्प्ले आपका सही है या नहीं है। नहीं होने पर एक बार पावर बटन को अगर इसको निकाल के ऑन निकाल कर लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये कैमरा है इसका अंदर में होता है ये, फिर अब इसको चेक कर सकते हैं कि कैमरा का अगर आगे का है तो उसको यहाँ से दोनों स्क्रू को इसको खोल लीजिए, ये बाहर आ जाएगा, उसका आगे का ग्लास उसको साफ कर लीजिए ताकि जो पिक्चर बनता है कभी ज़रूरत हो तो वो पिक्चर क्लियर हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि FLM में जब भी विजिट करें देखें तो आपके जो मॉड्यूल्स हैं खास करके मदरबोर्ड ये साफ होना चाहिए, जितना अच्छा साफ होगा बढ़िया रहेगा उतना मदरबोर्ड से इशू कम आएगा। वोल्टेज अर्थिंग का आप हमेशा चेक करते रहिए, जो उसका जो पैरामीटर्स हैं उसको आप मेंटेन करना पड़ता है। डिवोल्ट में जो कॉमन पार्ट जो खराब आते हैं जो होते हैं वो बेसिकली या तो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आता है या मदरबोर्ड का प्रॉब्लम आता है या पावर सप्लाई का प्रॉब्लम आता है, तो आप फील्ड में भी आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। मदरबोर्ड भी आसानी से रिप्लेस हो जाता है, 4 स्क्रू खुलने पर वो निकल जाता है बाहर, आसानी से बाहर निकाल लीजिए, इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए, फिर से लगा के देख लीजिए, मैक्सिमम टाइम में इतने ही में ही डिवोल्ट में काम हो जाता है। Now we exit from supervisor mode and when we press 91 from exit supervisor in the world ATM, it checks all modules again at the time of exiting of supervisor mode. You may hear the sound of dispenser module engineering during exiting of supervisor.
बोल्ट में साइड्स में दो प्रॉब्लम, अगर हम लोग उसको ठीक रखते हैं तो FLM कॉल या चार्जेबल कॉल्स या SLM कॉल्स की संभावना बहुत कम हो जाती है। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक का कोई इलेक्ट्रिकल कोई इशू नहीं हो। सेकंड, मशीन साफ सुथरी हो, यानी कि PM प्रॉपर हो रहा हो। PM अगर आपका प्रॉपर नहीं हो रहा है, आप खुद से ब्लोअर लेके PM कर सकते हैं, इंजीनियर से बात करके उसके साथ PM करा सकते हैं। अभी मशीन नॉर्मल मोड में आ गई, आप उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, आपका FLM कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।